जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट 11 में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। हम लोग साइक्लोन पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाद हम लोग आज देखने वाले हैं टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, ये क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और बहुत सारे इनके बारे में क्या है हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं। ठीक है, आइए। टेम्परेट साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, तो शीतोष्ण चक्रवात किन्हें कहते हैं? ये वैसे चक्रवात होते हैं जिनका निर्माण कहां पे होता है? 35 नॉर्थ से लेकर 60-65 नॉर्थ। ठीक है, 60-65 नॉर्थ और 30-35 साउथ से लेकर 35 साउथ से लेकर 60-65 साउथ। जो चक्रवात इन दोनों जो है गोलार्धों में, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात किया जाए 30 से 60 या साउथ में बात किया जाए 30 से 60, इन गोलार्धों में बनते हैं, उनको क्या बोला जाता है? टेम्परेट साइक्लोन। क्या बोला जाता है? टेम्परेट साइक्लोन। इतना आपको क्या करना है, परिभाषा के रूप में याद रखना है, क्योंकि हम लोगों ने चक्रवात के जो है जो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात किए थे, तो किस आधार पर बात किए थे? लोकेशन के आधार पर, यानी इनका लोकेशन कहाँ होगा? 30-35 से 60-65 नॉर्थ होगा, या तो 30-35 नॉर्थ से 60-65 साउथ होगा, इन्हीं के बीच में क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? टेम्परेट साइक्लोन। अब टेम्परेट साइक्लोन, हमने ट्रॉपिकल को देखा था कि वो केवल जलीय भागों में उत्पत्ति हो सकती है उनका, लेकिन जो साइक्लोन होता है ये लैंड पे भी उत्पत्ति हो सकती है, और कहां पर? वाटर पे भी क्या हो सकती है, इनकी उत्पत्ति हो सकती है। क्या कहां पर हो सकती है? वाटर पर भी इनकी उत्पत्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन होता है वो दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों से होता है। एक वायु राशियां कोल्ड होगी और दूसरा वायु राशियां क्या होंगी? वार्म होंगी। इन दोनों वायु मिलने के कारण, इन दोनों वायु राशियों के तापमान में अंतर, आर्द्रता में अंतर के कारण क्या होता है? टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब ये वायु राशियां स्थल पे भी हो सकती हैं और जलीय भागों पर भी हो सकती हैं, हमने अच्छे से वायु राशियों को पढ़ रखा है, तो इसीलिए इनका फॉर्मेशन लैंड पे भी हो सकता है और कहां पे हो सकता है? वाटर पे भी इनका फॉर्मेशन अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका टेम्परेट साइक्लोन के बारे में जनरल डिस्कशन। ठीक है, अब आइए के आगे बात करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कुछ इसकी विशेषताएं। ये विशेषताएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? टेम्परेट साइक्लोन का। टेम्परेट साइक्लोन में जो शेप होता है, इनकी जो इनकी आकृति हो कैसी होती है, ये वृत्ताकार भी हो सकते हैं, ये सेमी सर्कुलर हो सकते हैं, और इनका फॉर्म इलिप्टिकल हो सकता है। साथ ही साथ ये कैसे हो सकते हैं? बी शेप के हो सकते हैं। यानी टेम्परेट साइक्लोन का आकार कैसा हो सकता है? वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, इलिप्टिकल यानी अंडाकार, ठीक है, और बी शेप यानी बी आकार के भी ये क्या हो सकते हैं? इनका आकार हो सकता है। अगर टेम्परेचर की बात किया जाए कि टेम्परेट साइक्लोन गर्म, इसलिए इसके प्रत्येक भाग में क्या होता है? टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या देखा था कि उसके पूरे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का पूरा एरिया होता है, पूरे एरिया में टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता है, जबकि टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है? दो विपरीत वायु राशियां होती है, इसलिए इसके प्रत्येक भाग में टेम्परेचर में क्या होता है? अंतर देखने को मिलता है। ये इसकी दूसरी क्या है? विशेषता है। ठीक है, तीसरा क्या है? साइज। साइज में अगर देखा जाए तो आदर्श रूप में लगभग इनका 1900 से लेकर 2000 किलोमीटर की क्या होता है? इनका साइज होता है। विंड पैटर्न कैसा होगा? उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, जानते ही हैं। लेकिन जो स्पीड होगी वो इसमें कितनी होगी? जो है समर के मौसम में इनमें 32 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार हैं, जबकि विंटर में इनकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन इनकी जो स्पीड होगी वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की तुलना में कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर ग्रेडिएंट है उसका जो डिफरेंस होता है दो दो प्रेशर ग्रेडिएंट के बीच में, वो क्या होता है? कम होता है। इसीलिए इनकी जो स्पीड होती है टेम्परेट साइक्लोन की, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की तुलना में कम होती है। ठीक है, क्या होता है?
कम होता है, क्योंकि इसमें वायु दाब का अंतर क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने होंगे, ठीक है। तो अब अगर आपको अंतर भी पूछ लेता है, चार अंतर दे दिया और बताया कि बताइए ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या क्या अंतर है, तो आप आराम से बता देंगे, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जो है तापमान संबंधी भिन्नता होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में नहीं होती है, उसमें हर जगह तापमान समान होता है। इसमें आई नहीं पाए जाते हैं, उसमें आई पाए जाते हैं, ठीक है, क्या होता है उसमें आई होता है। इसमें रेन बैंड्स नहीं पाई जाती हैं, वर्षा पट्टी और उसमें रेन बैंड्स पाए जाते हैं। ये सारी क्या है, इनके बारे में, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये इनकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है और ये किस दिशा में मूव करते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम भी चर्चा कर लेते हैं। सोर्स रीजन एंड ट्रैक ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो कहाँ पे उत्पत्ति होती है, ये 30-35 नॉर्थ से लेकर 60-65 जो है नॉर्थ और 30-35 साउथ से लेकर 60-65 साउथ में क्या होते हैं, बनते हैं। यानी ये देखिए, ये 30-35 हो गया, 60-65 हो गया, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। इसी के बीच में इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा था कि 60-65 पे क्या होता है, 60-65 पे क्या होगा कि जो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर जोन होता है, इसीलिए 30-35 पे हाई होता है। इसको किस प्रकार के बिंदु बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्ली, ठीक है, पछुआ हवाएं। और वहीं पर क्या होता है, ये क्या होती है, इधर से मूव करने वाली ये गर्म हवाएं होती हैं और पोलर से भी हवाएं क्या होती हैं, पूर्व हवाएं को क्या है, पूर्व हवाएं हैं, ठीक है। तो ये दोनों कहां पर मिलती हैं, ये दोनों हैं 60-65 पे। अब ये गर्म है, ये ठंडी है, दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां मिली और यहाँ पर फ्रंट बन गया, और फ्रंट बनने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, अब आपको वायु दाब पेटियां याद होगी कि हवाएं कहां से कहां तक चलती थी, तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो अब आपने देखा यहीं पर क्या होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। अब इसमें कौन सी हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं चलती हैं। पछुआ हवाओं की है वो किधर होगा, वेस्ट टू ईस्ट होगा, जबकि ट्रॉपिकल का किधर होता था, ईस्ट टू वेस्ट होता है। और इनका जो मूवमेंट होता है, ये जिस पथ से गुजरते हैं उस पथ को बोला जाता है स्टॉर्म ट्रैक, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक का मतलब हुआ झंझा पथ, ठीक है। यानी क्या लाएंगे, ये बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लाते हैं, जिस भी पथ से मूव करते हैं उस पथ को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग ट्रैक। क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक, ठीक है। इनकी दिशा कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व की होती है। इतने पॉइंट आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जब बनते हैं टेम्परेट साइक्लोन, तो टेम्परेट साइक्लोन के बनने के बाद जो ये जिस दिशा में बनते हैं, जिस एरिया में बनते हैं, वहां के मौसम पे क्या करते हैं, इनका प्रभाव कैसे रहता है, क्योंकि आप चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो चाहे टेम्परेट साइक्लोन हो, आप लगातार न्यूज में देखते हैं गर्मियों के महीने में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति हुई बहुत विनाशकारी हुए, टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति हुई बहुत विनाशकारी हुए। तो वही हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके साथ बनने के बाद मौसमी दशाएं कैसी होती हैं, ठीक है। और पहले क्या होगा, पहले कहीं पर अराइवल ऑफ साइक्लोन होगा, ये पहली स्थिति होगी कि मान ये पर बने और बनने के बाद क्या हो गए, किसी भी स्थान पे ये पहुंच गए। अब जब ये पहुंच जाएंगे तो दूसरी क्या होगी, बार फ्रंटल प्रिसिपिटेशन होगा। यानी जो आपको पता है कि इसमें देखिए, एक जो है ठंडी हवाई राशियां हैं, एयर मास हैं, और एक क्या है, गर्म एयर मास है। जब ये बन जाएंगे तो क्या होगा, ये ठंडी वायु राशियां हैं, ये क्या करेंगी, ये गर्म वायु राशियों के क्षेत्र में इंटरफेयर करेंगी, और गर्म वायु जो ठंडी वायु राशि परी जो ये गर्म वायु राशियां हैं, ये ठंडी वायु राशियों के क्षेत्र में क्या करेंगी, बहुत तेजी के साथ इंटरफेयर करेंगी और ये ठंडी करेंगी ऊपर की ओर ढकेल लेंगी, ठीक है। जब ये ढकेल लेंगी तो ऊपर जाने पर बादल बनेंगे, कौन से बादल बनेंगे, स्ट्रेटस क्लाउड बनेंगे, स्थिर बादल बनेंगे, और वर्षा क्या होती है, स्टार्ट हो जाएगी। किस जो है फ्रंट के माध्यम से, तो वार्म फ्रंट के माध्यम से वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। जब वार्म फ्रंट इससे वर्षा खत्म हो जाएगा तो अगला जो वार्म सेक्टर का, यानी ऊपर वृतांश इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, किसका किसका कंडीशन किसका नंबर आएगा,
वार्म सेक्टर का, यानी ये जब खत्म हो जाएगा, वर्षा समाप्त हो जाएगी, तो अब जो जो चक्रवात का अगला कदम होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा, वो ये वाला क्षेत्र आएगा। अब यहाँ पर वर्षा नहीं होगी बल्कि होगी केवल यहाँ पर आपको गर्म गर्म, इसलिए इस सेक्टर को बोलते हैं वार्म सेक्टर। अब ये वार्म खत्म हो गया तो अगला फ्रंट कौन सा आ गया, कोल्ड फ्रंट, यानी अब क्या होगा कि गर्म हवा का काम खत्म, अब क्या बचा है ठंडी हवा। अब ठंडी हवा क्या करेगी, गर्म हवा के क्षेत्र में इंटरफेयर करेगी और गर्म हवा का तेजी के साथ क्या करेगी, ऊपर उठा देगी, और इस प्रकार के फ्रंट को क्या बोलेंगे, कोल्ड फ्रंट। जब ये ऊपर उठाएंगे ठीक है, तो क्या होगा, कोल्ड फ्रंट प्रिसिपिटेशन का कंडीशन आएगी, पांचवा कंडीशन। और कोल्ड फ्रंट प्रिसिपिटेशन का मतलब हुआ कि कोल्ड फ्रंट का निर्माण होगा और तेजी के साथ क्या होगी, वर्षा होगी। अब आप लोग को याद होगा कि कोल्ड फ्रंट के दौरान कौन से बादल बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं, बहुत ऊंचाई तक के बादल बनते हैं, और बहुत ही तेजी के साथ गरज और चमक के साथ क्या होती है, वर्षा होती है। जब ये भी वर्षा, तो जो अगला नंबर आएगा उसको बोलते हैं कोल्ड सेक्टर, यानी यहाँ पर आएगा उष्ण वृतांश, यहाँ पर आएगा शीत वृतांश। शीत वृतांश का मतलब ये हुआ कि अब वर्षा समाप्त हो गई है, अब केवल ठंडा एयर का क्या बचा है, बचा है ठीक है। गर्म हवा तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, अब यहाँ पर क्या आ गई, ठंडी हवा आ गई। ठंडी हवा आने के बाद क्या होगा, और लास्ट में बचेगा अक्लूटेड करंट। अक्लूटेड विशेषता क्या होती, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये गर्म हवा का पूरा एरिया नीचे से खत्म कर दिया जाता है, तो अब नीचे क्या बनता है, केवल क्षेत्र बनता है। तो जब ठंडी हवा होगी, भारी होगी, वो क्या करेगी, फ्रंट बना नहीं पाएगी, तो अब क्या हो जाएगा, चक्रवात की समाप्ति हो जाएगी। यानी कहीं पर अगर टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति होती है तो क्या होगा कि जितने भी दस आपको बताए गए स्टेजेज, इसी स्टेजेज से होकर, सॉरी ये स्टेजेज नहीं कह सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि कहीं पर टेम्परेट साइक्लोन जब आएगा तो उस दौरान वहां का मौसम कैसे होगा, ये कैसे कार्य करेगा। तो ये इतने जो क्या होगा कि दशाओं से होकर गुजरेगा और वर्षा होती रहती है, इसीलिए वर्षा क्या होगी, बहुत ही लंबे समय तक होगी, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के फ्रंट पाए जाते हैं, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका टेम्परेट साइक्लोन के दौरान वेदर कंडीशन कैसा होगा, पहले क्या होगा कि साइक्लोन तो पहुंचेगा, फिर वर्षा होगी किससे, वार्म फ्रंट से, फिर वार्म फ्रंट जब चला जाएगा तो उसकी केवल वार्म फ्रंट नहीं बचेगा, केवल वार्म हवा बचेगी, उसके बाद कोल्ड फ्रंट आ जाएगा, फिर कोल्ड फ्रंट के द्वारा होगी तो केवल कोल्ड फ्रंट बचेगा, और लास्ट में अक्लूडेड फ्रंट बन जाएगा, क्योंकि वार्म हवा पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती है ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में, कोल्ड फ्रंट के बारे में, कि इसके दौरान मौसम कैसे होते हैं ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि जो कोल्ड फ्रंट की उत्पत्ति होती है ये कैसे होती है। तो कोल्ड फ्रंट की जो उपरी, जो आपके टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इसको लेकर विद्वानों में क्या है, बहुत ही मतभेद है ठीक है। विद्वान थे जिनका नाम था बी वर्कनीज, ठीक है, क्या नाम था, बी वर्कनीज, और क्या नाम था एक का, जे वर्कनीज। इन दोनों भाई थे नॉर्वे के विद्वान हैं, और इन्होंने 1918 में टेम्परेट साइक्लोन बनने से संबंधित एक थ्योरी दिया जिसका नाम है पोलर फ्रंटल, नाम है पोलर फ्रंटल थ्योरी, ध्रुवीय वाताग ठीक है। तो ध्रुवीय वाताग सिद्धांत क्या है, वी बर्कनीज और जी बर्कनीज मोहरे के द्वारा दिया गया था ठीक है। और पोलर फ्रंटल थ्योरी को हम वेव थ्योरी, फ्रंटल थ्योरी ठीक है, या बर्जरान थ्योरी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इन दो, इनका नाम आपको अच्छे से क्या करना है, जानना जरूरी है ठीक है। तो ये एक थ्योरी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब आइए हम देखते हैं कि जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, ये जब है तो इनकी उत्पत्ति कुछ स्टेज में होती है, उन स्टेज की भी क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। तो जो आपके टॉप टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ठीक है, तो जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं ये कुल मिलाकर छह स्टेज में डेवलप फॉर्म में आ जाते हैं ठीक है। क्या जाते हैं, ये छह स्टेज से होकर गुजरते हैं, और इन छह स्टेज से होकर गुजरने के बाद क्या होता है कि ये क्या होते हैं कि इनकी शुरुआत होती है, और इसी के दौरान इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पहले स्टेज में क्या होता है कि एक तरफ से कोल्ड एयर आती है और एक तरफ से वार्म एयर आती है, किसी प्रकार के फ्रंट का निर्माण नहीं होता है। दूसरे कंडीशन में क्या होती है, कोल्ड एयर वार्म एयर के क्षेत्र में इंटरफेयर करती है,
और वार्म एयर कोल्ड एयर के क्षेत्र में इंटरफेयर करता है, इस प्रकार कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट का क्या होगा, निर्माण हो जाता है। तीसरे स्टेज में फ्रंट का निर्माण होने के बाद साइक्लोन क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। और तीसरा स्टेज जो इसका होता है वो होता है, इसको बोलते हैं मैच्योर स्टेज। क्या बोलते हैं, मैच्योर स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद चक्रवात अपने आप में क्या हो जाता है, एकदम हाई पीक पे होता है और जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। चौथे स्टेज में क्या होता है, एरिया जो होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। पांचवें स्टेज में क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट पूरी तरीके और वार्म फ्रंट को लगभग लगभग क्या करता है, समाप्त करने के कगार पे होता है। यानी यहां से पांचवें स्टेज से जो आपका ट्रम्परेट साइक्लोन होता है वो धीरे धीरे क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और छठे स्टेज में क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट पूरी तरीके वार्म, जो वार्म हवा होती है उसको ऊपर धकेल देती है और धरातल से इसका भाग कट जाता है और केवल केवल यहाँ पर कूल एयर बचती है, ठंडी हवा बचती है और सभी प्रकार के फ्रंट समाप्त हो जाते हैं। और जब फ्रंट ही नहीं रहते हैं तो टेम्परेट साइक्लोन भी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये उसका लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। तो ये छह स्टेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैच्योर स्टेज किस स्टेज में होगा, किस स्टेज में इनकी मृत्यु होगी और पहले स्टेज में क्या होगा, फ्रंट बनेगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पहले स्टेज में भी फ्रंट का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि दो सामने आकर क्या हो गई है, खड़ी हो गई है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा टेम्परेट, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन या तो आपका टेम्परेट साइक्लोन से या ट्रॉपिकल साइक्लोन से या दोनों से मिलाकर, दोनों में आपसे तुलना कराने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप इसको तैयार करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है लगभग लगभग क्या है, अच्छे से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।